नमस्कार दोस्तों, एक और नया वीडियो में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू एके इन्फोटेक चैनल। अपना इस चैनल को द्वारा हमने एक सर्विसमैन भाई के लिए कितना सारा जो वेलफेयर स्कीम्स अथराइज है उनको किस तरफ से हमने अप्लाई करना है, इनका बारे में हमने कई सारा वीडियोस बनाया और अपलोड किया है। लेकिन अब कई सारा भाइयों ने उनका जो भी वेलफेयर स्कीम्स है उनका तो अप्रूवल हो चुका है, लेकिन उनको पैसा आने में देर लग रहा है। इसी का बारे में कई सारा लोग कमेंट्स डाला जा रहा है, हमारा जो अप्रूवल का अमाउंट है वो कब तक मिलेगा, इतना लेट क्यों हो रहा है। और दूसरी बात, हमारा जो वेलफेयर एप्लीकेशंस है ज़्यादातर लोग जो अप्लाई कर रहा है एजुकेशन असिस्टेंस का और पीएमएसएस स्कीम का और पीएमएसएस रिन्यूअल का, इनका जो लास्ट डेट कब है, कब तक इनको अप्लाई कर सकता है, ये बहुत सारा लोग ने अपना कमेंट्स का द्वारा पूछा जा रहा है। ये सारा का सारा डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे, आखिर तक बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपना भाइयों को शेयर कीजिएगा। अभी हम ये काम करेंगे, किसी एक सर्विसमैन भाई ने अपना बच्चों के लिए एजुकेशन असिस्टेंस का अप्लाई किया और पीएमएसएस के लिए अप्लाई किया और पीएमएसएस रिन्यूअल के लिए भी अप्लाई किया, इनको आल सब कुछ मिल चुका है, मतलब उनको कितना भी टाइम लगा क्या है वो सारा डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। उनका जो एप्लीकेशन पे लॉगिन होके उनका केस भी अकाउंट पे लॉगिन होके उनका केस भी मतलब एजुकेशन असिस्टेंस पीएमएसएस का और पीएमएसएस रिन्यूअल का इनका पैसा कितना टाइम में आ गया, ये एक बार देखने से क्या होता है, हमें एक अंदाजा आ जाता है अप्रूवल होने के बाद कब तक ये पैसा मिल जाता है। चलिए भाइयों चलते, अभी सबसे पहले हम लॉगिन हो जाएंगे। अब देखिए भाइयों, हमने जो अपना एक सर्विसमैन भाई है उनका एप्लीकेशन पे अभी लॉगिन हो चुका है। इनका आप देख सकते हैं, आपने एजुकेशन का इनका अप्रूव हो चुका है, उसके अलावा एजुकेशन का अप्रूव हो चुका है, पीएमएसएस का यहाँ पे अप्रूव हो चुका है, उसके बाद पीएमएसएस रिन्यूअल का है इनका भी अप्रूवल हो चुका है, और इनका पैसा भी आप देख सकता है इनका अकाउंट में आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकता है, यहाँ 24,000 36,000 54,000 इनका अकाउंट में आ चुका है। ये पैसा आने में अप्रूवल होने के बाद इन लोगों ने पहले कब अप्लाई किया है और अप्रूवल कब हुआ है और अकाउंट में कब आया है, इसको आप देख सकता है एक बार। सबसे पहले इन लोगों ने अप्लाई कब किया देखेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा इन्होंने कब अप्लाई किया है, 28 अगस्त 2017 में अप्लाई किया है, और इनका पैसा कब आया है यहाँ पे देखिएगा, 28 अगस्त को अप्लाई किया और यहाँ पे उनको पैसा आया, 28 अगस्त 2017 को अप्लाई किया है और इनका पैसा आया है 3 सितंबर 2019 को, मतलब लगभग 2 साल टाइम लगा है। अप्रूवल पहले हो जाता है लेकिन इनको पैसा आने में भी टाइम लग जाता है। इसी तरह से और दूसरा और एजुकेशन का भी देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा इन्होंने अप्लाई किया कब है, यहाँ पे देखिएगा 4/8/2018 एजुकेशन का है, रिकमेंड ZSB RSB फिर KSB से अप्रूव हुआ है, फिर इसको इनको 25 मार्च 2022 को 24,000 आया हुआ है, मतलब यहाँ पे देख सकता है आपने 4 अगस्त 2018 को इन्होंने अप्लाई किया और 25 मार्च 2022 को इनको अकाउंट में पैसा आया। उसी हिसाब से हमने पीएमएसएस का देखते हैं एक बार, ये पीएमएसएस का देखिएगा 15 मार्च 2021 को अप्लाई किया इन्होंने, फिर पैसा कब आया 3 सितंबर 2021 को, मार्च में जो अप्लाई किया है और सितंबर में पीएमएसएस का पैसा आया है, फिर पीएमएसएस रिन्यूअल का देखिएगा यहाँ पे 6 मार्च 2022 को इन्होंने अप्लाई किया है और इनका अप्रूव होने के बाद कब आया 17 जून 2022 को है। अब आप यहाँ पे देख सकता है पीएमएसएस रिन्यूअल का यहाँ पे 6 मार्च 2022 को इनको अप्लाई किया है इन्होंने, और इनको कब मिला है देखिएगा,
17 जून 2022 को इनको अपना अकाउंट में पैसा आ चुका है 54,000 का। इस तरफ से भाइयों कहीं बार किसी किसी स्कीम के लिए 2 साल भी लग सकता है। ये तो कोरोना का टाइम पे था, इनका तो लेट हुआ है, फिर भी इनका पैसा आ चुका है। लेकिन उससे पहले जो अप्लाई किया 2017 में, उसका भी आने में 2 साल टाइम लगा है, इसका मतलब आप समझ सकता है पूरी तरफ से इसी स्कीम के ऊपर इनका पैसा के लिए, इनका पैसा के ऊपर डिपेंड होने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग जितना भी मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा, ये पैसा कहीं नहीं जाएगा। एक बार अप्लाई किया है, अप्रूवल हो चुका है, फिर आपका पैसा कभी ना कभी आएगा। इस तरफ से सोच के आपने अपना एप्लीकेशन को अप्लाई करके छोड़ दीजिएगा। और भाइयों आपका इतना तो क्लियर हुआ है, जो आपका एप्लीकेशन अप्रूवल हुआ है, लेकिन कब तक आएगा इसके, इसी जो एप्लीकेशन के हिसाब से आप समझ चुका है। लेकिन PMSS का एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, ये प्राइम मिनिस्टर्स का फंड से आता है ये अमाउंट, जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप का है, और वहाँ से जो भी अप्रूवल हो जाए हो जाता है, जल्दी से जल्दी उनका अकाउंट में आ जाता है। इसी वजह से आप लोग PMSS जो भी लोग अप्लाई किया उसका डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 6 महीना लग सकता है, उससे पहले पैसा किसी भी हालत में उनका अकाउंट में आ जाता है। और दूसरी बात रह गया एजुकेशन असिस्टेंस का है। एजुकेशन असिस्टेंस का ऐसे कहीं से इनको भी फंड्स अलाट होना होता है। उनका पास जैसे जैसे फंड्स अलाट होते जाता है, उसी हिसाब से उनका सीनियरिटी के हिसाब से उनको अकाउंट में पैसा डाला जाता है। उस बात को आपने ध्यान रखना होता है। इनका चक्कर में मत रहिएगा, ये पैसा आएगा तो हम कुछ करेंगे, ऐसे कोई काम हो ही नहीं सकता। आप लोग इंतज़ार करना पड़ेगा, अपना आप कभी ना कभी पैसा अकाउंट में डाला जाता है। और तीसरी बात जो है इनका PMSS स्कीम का, एजुकेशन असिस्टेंस का और रिन्यूअल ऑफ PMSS स्कीम का जो है इनका लास्ट डेट्स का है। इनका कोई लास्ट डेट्स अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, फिर भी जो मार्च में KSB का द्वारा एक कट ऑफ डेट्स का लेटर्स निकला हुआ है, उसी लेटर का मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, उसमें कुछ अंदाज़ा दिया हुआ है कब तक इनका डेट हो सकता है, आप उसको एक बार वीडियो देख सकता है। फिर वैसे भी हमने सितंबर लास्ट तक इनका कट ऑफ डेट्स दिया जाता है, आगे ध्यान दीजिएगा। और जो भी लोग अप्लाई नहीं किया अभी, पूरी तरफ से कोशिश कीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना भाइयों को, और आप लोग अपना मदद इस चैनल के लिए अगर देना चाहता तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करके दे सकते हो। जय हिंद जय भारत।